नमस्कार, राघवी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत आसान सी और बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर की रेसिपी। ये दिखने में जितना सुंदर है, खाने में आपको उतना ही मज़ा आएगा। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम पनीर। इसे सबसे पहले हम ऐसे करके एक पोर्शन कट कर लेंगे पनीर में से, फिर इसे बीच से ऐसे कट करेंगे। देखिए, ऐसे करके आपको कट करना है, फिर हम इसे क्यूब्स में काट लेंगे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, पनीर को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। ऐसे करके आप पूरे पनीर को कट कर लीजिए। पहले हम पनीर को तल लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल को हमें मीडियम फ्लेम में रख के ही गरम करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पनीर ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, पनीर को आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इतना ही गोल्डन ब्राउन हमें करना है। और इसे अब हम निकाल लेंगे और बाकी बचे पनीर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, फ्राई करने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है आपके मटर पनीर का। मटर पनीर के लिए सबसे पहले हम कर लेंगे मसाला तैयार। यहाँ पे लिया है हमने जार, इसमें डालेंगे हम 7 प्याज। यहाँ हमने 7 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे हमने ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 10 लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने ऐसे बारीक काट लिया है। लिया है 2 मिर्च, जिसे हमने बारीक काटा है। और यहाँ पे लिया है हमने बड़ा टुकड़ा अदरक का। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 हमने यहाँ पे लिया है खड़ा इलायचा, यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा यानी आधा चम्मच जितना काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया है खसखस, यानी आधा चम्मच जितना हमने इसमें खसखस डाला है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें आप प्याज की मात्रा जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। और टमाटर उसमें आपको 1 या 2 ही डालना है। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए, हमारा मसाला पीस गया है। देखिए, जिस कढ़ाई में हमने पनीर तला था उसी कढ़ाई में अब हम मसाला भून लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे हम तेज़पत्ता। यहाँ पर हमने 2 तेज़पत्ता लिया है और इसे थोड़ा सा कड़क लेंगे। मसाले के लिए आपको तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अच्छे से एक बार तड़क चुका है, अब हम इसमें जो मसाला हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। देखिए, मसाला हमने इसमें डाल दिया है और तेज करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेम हमें 5 मिनट हाई रखना है। देखिए, 5 मिनट हो गया है, हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप उस पर ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच धनिया। इसे डाल के अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है और फिर इसे मीडियम फ्लेम में रख के हमें भूनना है। बीच बीच में आपको इसे चलाते भी जाना है। देखिए, अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है मसालों के साथ और फ्लेम कम करके इसे अब हम पकने देंगे। मसाला ऑलमोस्ट आधा भून चुका है और देखिए थोड़ा थोड़ा तेल मसाला छोड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर को हमने ऐसे पीस लिया है, इसे हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें प्यूरी भी डाल सकते हैं, या आपके ऊपर है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बीच बीच में अब हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जब आप मसाला प्रिपेयर करते हैं अगर आपको लगे कि मसाला नीचे बैठ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। इससे आपका मसाला नीचे नहीं बैठेगा और जो बैठा होगा वो मसाले के स्वाद में मिल जाएगा, उसका जला हुआ स्वाद नहीं आएगा। देखिए, अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है और बीच बीच में आपको इसे चलाते जाना है। देखिए, हमारा मसाला लगभग होने को आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मटर। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मटर, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। इसे डाल के पहले कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
देखिए नमक डाल के हमें इसे अच्छे से एक बार चला लेना है और अब हम इसे ढक देंगे और कम आंच में पकने देंगे। हमारा मसाला परफेक्ट रेडी हो गया है और मटर भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। देखिए आपको अब मसालों के साथ पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के 2 मिनट हम इसे पकने देंगे। देखिए हमने ढक्कन निकाल लिया है। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना मस्त आया है देखिए। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है और पहले मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये आप ग्रेवी बनाए तो पानी थोड़े थोड़े करके डालें। देखिए अगर ज़्यादा पानी आप डाल देंगे ना तो उससे क्या होता है आपकी ग्रेवी पतली हो जाती है, तो आपको कितना थिक रखना है उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया ना, इसमें थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे। देखिए टोटल हमने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला है और इसे डाल के अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। कभी भी आप पानी डालें तो मसालों के साथ अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लें ताकि आपको मसाले की थिकनेस पता चल जाए। देखिए इसे हमें एक उबाल दे देना है और एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस बंद कर लेंगे। देखिए अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती। देखिए बिना धनिया पत्ती के सब्जियां अधूरी लगती है और देखिए और इसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। देखिए दिख रही है ना हमारी सब्जी मस्त। देखिए अब हम सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना मस्त आया है। देखिए हमारा मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।